गुड इवनिंग दोस्तों, ACAD एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विक्रम कुमार। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने सी कैट की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी। इस क्लास की खास बात यह है कि हर क्लास में आपको EVS का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे और उसकी पैडागोजी कराई जाएगी, और साथ में एक क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का है वो हर क्लास में कराया जाएगा। तो जैसा कि मैं इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ EVS क्लास, ये थर्ड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और ये तीसरी क्लास है, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट और पैडागोजी दोनों पढ़ाऊंगा और साथ में ही प्रैक्टिस सेट टू है ये, और इसमें सी टेट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है 21 सेट जे, इसके मैं क्वेश्चन कराने जाऊंगा विद प्रूफ के साथ, और वो भी टोटली NCERT बेस्ड है। जहां तक मुझे लगता है आपको ऐसी जो सी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो क्लास है शायद ही आपने कभी देखी होगी, जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये जो क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा देना नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो नॉलेज मार्केट में पैसों में बिक रही है वो आपको फ्री में मिले, क्योंकि सी टेट एक ऐसा एग्जाम है जिसका ऑनलाइन सेंटर वालों ने, ऑनलाइन जो कोर्स बेच रहे हैं, इस तरीके का हवा मचा दिया है कि पता नहीं कितना बड़ा एग्जाम है। आप NCERT की बुक को ध्यान से पढ़िए, और आपने जो डाइट या JBT जो भी 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है उसको अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं EVS की क्लास थर्ड और सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था 21 में सेट जे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के चैप्टर का नाम है पानी रे पानी। ये क्लास थर्ड क्लास का क्लास थर्ड का चैप्टर है पानी रे पानी। आप इस पूरे हालांकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, बट फिर भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में से आ क्या सकता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर है ना बच्चों को पानी की अहमियत बता रखी है कि पानी कितना जरूरी है, पानी के प्रति संवेदनशीलता कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट के प्रति। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, थर्ड क्लास का बच्चा है, वो पानी पी रहा है और देख रहा है पानी वेस्ट हो रहा है, तो किस प्रकार से पानी के प्रति संवेदनशील हो ताकि वो उसकी बचत कर सके, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये थर्ड क्लास का चैप्टर है, इसके अंदर एक ये वाक्य है, हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही है। अंकल ने कहा रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। आम का पन्ना देता हूँ, इसका मतलब आम का पन्ना कब दिया जाता है? गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में आम का पन्ना होता है, क्योंकि तो गर्मी के मौसम में ही आम बनता है, और आम का पन्ना पीने से क्या मिलती है? शरीर में ठंडक मिलती है। देखो सिर्फ इतने से पैराग्राफ में ये क्वेश्चन मिल गया, आप आम का पन्ना पीने से क्या मिलती है? ठंडक। ये गर्मियों में होती है, जब आम का सीजन होता है उसी से आम का पन्ना बनता है, और वो कच्चे आम से बनता है। किससे? कच्चे आम से, ठीक है। आगे तो वो क्या, उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाया, एक ये वाला और एक ये वाला, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मजा आता है। देखो कांच के गिलास के पीने में ही मजा आता है, अब ध्यान रखना, कांच के गिलास में ही पीने में मजा आता है। अब कांच के गिलास में क्यों? देखो आम जो होता है वो होता है, जब आम जब कच्चा होता है वो होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। और जो खट्टे फलों में होता है वो होता है विटामिन सी, विटामिन विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है, और विटामिन सी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन शीशे के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए जितने भी एसिडिक फूड होते हैं ना, एसिडिक जो आप जैसे नींबू पानी हो गया या वाइन हो गया, उसको हमेशा कांच के गिलास में ही पीना चाहिए। देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। अब उस अंकल ने पन्ना के एक कांच गिलास में पलट दिया, अब इसने ये वाला जो गिलास है ये कांच के गिलास में पलट दिया, पर छुटकी फिर भी नहीं मानी, बोली अंकल आपने मुझे कम दिया। आप देखो कम दिया, आप यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि तो बच्चे को क्या
बच्चे को इसका जो आयतन है, इसका जो एरिया है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि कांच का ग्लास दिखने में बड़ा है और इसी क्लास इसी इसी साइज को हमने इसी में रिड्यूस कर दिया, तो ये साइज सेम है लेकिन बच्चे को ये बड़ा हो रहा है। तो बच्चा पियाजे की स्टेज पे, पियाजे की जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज पर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि ये आपको क्वेश्चन पैराग्राफ में दिया जा सकता है और इसके ऊपर बोल देंगे कि पियाजे की कौन सी स्टेज पर है, तो इसका आपका चार ऑप्शन दे देगा और आपको बताना पड़ेगा ये पियाजे की सेकेंड स्टेज पे है, जहां पे बच्चे को मेजरमेंट के बारे में पता नहीं है कि भैया कि जैसे कि 3 और +4 = 7 होते हैं, और 4 + 3 = 7 होते हैं, तो बच्चे को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। मान लो इस ग्लास का एरिया मान लो 5 5 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो अब इस ग्लास को गला के ये वाला ग्लास बनाए तो इसका भी एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्योंकि बच्चा थर्ड क्लास में है, तो बच्चा कौन सी स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी को ग्लास में कम पन्ना मिला है? नहीं, पन्ना उसको बिल्कुल बराबर मिला है, बट उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि बच्चे का लेवल अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि इस कॉन्सेप्ट को समझा जा सके, लेकिन जैसे ही बच्चा फिफ्थ क्लास में पहुंच जाएगा तो बच्चा मूर्त अवस्था में पहुंच जाएगा, अमूर्त अवस्था में, तो बच्चा इस चीज को समझने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखो इतना सा पैराग्राफ है थर्ड क्लास में और उसमें कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, यही तो सीटेट की खास बात है। और फिर बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, आप जब एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ेंगे दिमाग खोल के, तो आपको उसमें पैडागोजी भी मिलेगी और क्वेश्चन भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पानी के ऊपर कविता है, मैंने पहले भी आपको एक पैडागोजी का क्वेश्चन बता चुका था, और ये क्वेश्चन आपको है ना सेट एल में भी आया था। इसमें क्या था कि छोटे छोटे बच्चे को ईवीएस पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, कहानी और कविता है, और ये क्वेश्चन आ भी रहा है। देखो ये कविता के माध्यम से ये बता रखा है पानी के बारे में, मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। देखो मुंह धोने के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, पानी से सब जीते हैं, तो पानी से क्या क्या काम होता है इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, पानी से क्या क्या काम हो सकता है, क्योंकि तो बच्चे पानी के प्रति संवेदनशील होना चाहते हैं, उसको यही बताना बताना है, तो हम पानी के महत्व के बारे में बताएंगे कि अगर पानी नहीं होगा तो ये सारे काम हम नहीं कर पाएंगे, मुंह नहीं धो पाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे, हमारी जीवन की गाड़ी रुक जाएंगी। तो इस कविता के माध्यम से हम क्या बताना चाहते हैं कि समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। समुदाय में क्या, जो समुदाय में जो पानी होता है उसके स्रोत होते हैं जैसे कुआं नलकूप, उससे उनका लगाव बढ़ेगा, उसके प्रति ये संवेदनशील होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इससे हम ये सीखने को मिलता है, कई बार इसका ये राइटर का नाम भी पूछ लेगा, तो ध्यान रखना इसको श्री प्रसाद ने लिखा था। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 की सेट जे की ईवीएस का, तो बच्चों तैयार हो जाइए प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये क्वेश्चन है, हुआ है कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक तोरण की स्थापना की थी जो देखता था क्या जमीन और जीविका की समस्या है, भूख की समस्या है, वनों की समस्या है, या कुरुकुल संस्कृति की समस्या है। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि जो तोरण जो समाज था वो देखता था कुकड़ू संस्कृति की समस्या है, तो आंसर डी उसका सही होगा, और ये एनसीईआरटी की बुक की ही कटिंग है। देखिए सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को, उनके गीत गानों और अपने पहनावे, जड़ी बूटियों की समझ, चीजें बनाना, ये सब कुकड़ू भाषा, ये सब कुकड़ू संस्कृति का हिस्सा थे, और इसको बचाने के लिए उन्होंने एक तोरण समाज की स्थापना की थी, और जो जंगल भी था ना वो जंगल भी कुकड़ू संस्कृति का एक हिस्सा था, तो ये सारी जो चीजें थी वो इसी में आ जाएंगी, तो इसका आंसर होगा डी, ये इसका फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये है सूर्यमणि। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का पर्याय सीखा जा सकता है, सहयोग भावना कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है, परिवार से, खेल परिवार से, परिवार समाज और खेल से, प्रयोग
प्रयोक्ता या आयोजक। देखो परिवार से भी सीखा जा सकता है, समाज से भी सीखा जा सकता है और खेल से भी सीखा जाता है। तो इसका आंसर थर्ड सही होगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? देखो सामाजिक कीट नहीं है, देखिए चींटियां समाज में रहती है एक साथ झुंड में, दीमक भी समाज में रहता है एक साथ झुंड में, मधुमक्खी भी एक साथ रहती है समाज में झुंड में, लेकिन भृंग नहीं रहता। तो इसका जो आंसर होगा ये थर्ड है, ये सामाजिक कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन, बालसार शहर हैदराबाद यानी तेलंगाना शहर के सापेक्ष में किस दिशा में है? देखिए मैप है, ये तेलंगाना शहर है, ये क्या है तेलंगाना, और ये जो वालसर शहर है ये गुजरात में है, ये रहा। तो तेलंगाना से गुजरात कहां पे किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो इसका आंसर होगा पश्चिम। देखिए ध्यान रखना, हैदराबाद तेलंगाना में है और जो वालसर शहर है वो गुजरात में है, तो ये किससे है? पश्चिम दिशा में है ना, पश्चिम उत्तर पश्चिम है, सॉरी माफ करना, उत्तर पश्चिम है। इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम में, डायरेक्ट पश्चिम में नहीं, ये उत्तर ये पश्चिम यानी इस दिशा में है, ध्यान रखना इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है? आबू धाबी में कौन सी मुद्रा प्रचलित है? दीरम। ये है आबू धाबी शहर, बड़ा ब्यूटीफुल शहर है, वहीं पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीनार है ये वाली, और ये दीरम है, इस तरीके का ये दीरम नोट होता है, तो वहां पे धीरम चलता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युगम यानी जोड़े में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं, जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है और फिर बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हुए कूदते हो डांस करते हैं। देखो चित्र में बना रखा है, ये डंडिया पकड़ रखी है और ये डांस कर रहे हैं। तो ये चेरा जो नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये मिजोरम में किया जाता है, मिजोरम। देखो मिजोरम का पहनावा भी देख लो किस तरीके का है, क्वेश्चन भी आ सकता है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये मिजोरम में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवश्यक किया जाता है, इस पारंपरिक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर है राजस्थान। ये पारंपरिक विधि का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। आपको पता है राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत है, ये मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया जाया है। देखिए ये जो बावड़ी है ये भी राजस्थान में है, इस तरीके से राजस्थान में लोग पानी सेव करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते हैं, इसलिए इसका इंतजाम भी सभी जोड़े, चाहे वो व्यापारी हो, तालाब में से कुछ पानी जमीन को सोख लेती है, इस तरह जमीन के आसपास के कुओं का पानी भी वो इकट्ठा होता रहता है और जमीन को उपजाऊ बना रहता है। तो इस तरीके की जो चीजें है ये राजस्थान में की जाती है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, राजस्थान में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो नीली है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजर रही है, असम से होकर गुजर रही है और हल्का सा मेघालय से होकर भी गुजरती है। तो इसमें आंसर देखो अरुणाचल प्रदेश और असम है, तो आंसर ये सही है, ठीक है। खाली मेघालय नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और असम और फिर यहाँ बॉर्डर लाइन से होकर सीधा ये बांग्लादेश में आ जाती है, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा। भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस स्थिति में परिवार माध्यम है, ये जो परिवार है किसका माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण का, यानी कि बच्चा समाजीकरण की पहली प्रक्रिया कहां से होती है? परिवार से होती है। ये कहां से होती है? परिवार से होती है, परिवार से। तो प्राथमिक समाजीकरण की जो पहली शुरुआत परिवार से होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई कई आंदोलनों में को समर्थन मिला और एक आंदोलन 1970 में हुआ था, चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में क्या हुआ था? गांव वाले पेड़ पौधों को बचाने के लिए पेड़ से इस तरीके से चिपक गए थे, इसी को चिपको आंदोलन बोला जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी और भारत के बहुत प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा इस आंदोलन को चलाने वाले थे और साथ में इसमें कार्मेट गोविंद सिंह भी रावत थे, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे और श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में भी किया गया था। मेधा पाटकर में तो वो नदी वाला बांध परियोजना उसमें था, मेधा पाटकर थी। तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ये इन्होंने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसका आंसर ये एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया है, ध्यान रखना।
जितने भी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी की बुक से। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण जो वहां के जो व्यक्ति है प्राकृतिक आवास छोड़कर को छोड़ना पड़ा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्थापन। जैसे कोई स्टेट है, यहाँ पे कोई स्टेट है, यहाँ किसी कारण से यानी कि कोई भी बांध बढ़ गया, चाहे रोजगार नहीं है, तो लोग इस स्थान से किसी और स्टेट में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन हो गया, जैसे बिहार के लोग दिल्ली में विस्थापित हो गए, गुजरात के लोग कहीं और विस्थापित हो गए, इस तरीके उसको विस्थापन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, हम पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में लंबे रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? देखो, विषाणु से तो बीमारियां होती है, जीवाणु से भी बीमारियां होती है, कीट से नहीं होता, तो फफूंद से बचाने के लिए हम इसको खुले में भोजन को नहीं छोड़ना चाहिए। आप रोटी चावल कोई भी चीज खुले में 1 या 2 दिन छोड़ दोगे तो इस तरीके के फफूंदे लग जाएंगे, तो फफूंदों से बचाने के लिए हमें भी कोई भी फूड खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खुले में छोड़ेंगे तो उसमें फफूंद लग जाए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है, यानी कोई भी पैकेट है उस पे ना एक्सपायरी डेट लिखी रहेगी, एक्सपायरी डेट की, ये जैसे मान लो 8/11/2022 को खराब हो जाएगी, तो क्यों दे की क्यों बताई जाती है? देखो, प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित सेल्फ लाइफ होती है, बिल्कुल सही। आप यानी कोई भी फूड होगा उसकी एक सेल्फ लाइफ होगी कि ये इतने दिन तक चलेगा। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिवर्तकों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। कुछ निश्चित समय के पश्चात उसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं, इसको खराब कर देंगे, बिल्कुल सही। हमें उन भोज्य पदार्थों को भोग नहीं करना चाहिए जिन पर खुला लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर ABCD तीनों ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है, निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है, मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदले, मच्छर मच्छर के प्रजनन को रोकती है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लेती है, बिल्कुल सही है, भी मछली मच्छरों के प्रजनन को रोकती है, क्योंकि मच्छर अंडे देंगे और मछलियां उसे खा लेंगे, तो मच्छर होंगे कहां से। मच्छरदानी का प्रयोग करें, देखो मच्छरदानी का प्रयोग करने से हमें मच्छरों से बचाव होता है, प्रजनन को नहीं रोकती। तो इसका आंसर थर्ड होगा, कि यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया तो तेल का छिड़काव करें, ये मच्छरों के प्रजनन को रोकती है, जबकि मच्छरदानी का प्रयोग से मच्छर से बचाव होता है, प्रजनन नहीं रुकता। तो इसका आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन, 10 के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं, वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिलाई जाती है, इसी को बोलते हैं ORS का घोल, सभी लोगों ने बचपन में पिया होगा, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आप नहीं सोख सकता, चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, उपले पर पानी जीवाणु रहित हो जाते हैं। देखो, 10 के रोगियों को अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया जाता है, उबालने में पानी जीवाणु रहित हो जाते हैं, बिल्कुल सही। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, केवल चीनी वाला पानी आग नहीं सोख सकता है, बिल्कुल सही। ये तो बी और सी आंसर इसका होगा, तो फोर्थ आंसर इसका सही है, बी और सी। देखो, नमक किस लिए डाला जाता है, क्योंकि नमक में होता है सोडियम, क्या होता है सोडियम, जो पानी को बहने से रोकता है, पानी को ऑब्जर्व करता है, ये क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है। तो जब 10 लगते हैं तो क्या होता है, पानी जैसी पोटी आती है ना, तो जब हम नमक वाला पानी पीते हैं तो उसमें सोडियम होता है, और सोडियम सर पानी को बाहर जाने से रोकता है। चीनी, चीनी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या देता है, एनर्जी देती है। तो जब 10 लगता है तो वाटर बाहर जाता है और आदमी को कमजोरी महसूस होती है, इसलिए नमक और चीनी के पानी का घोल दिया जाता है ताकि उसे ग्लूकोज भी मिले, एनर्जी भी मिले, और शरीर से वाटर सप्लाई कम हो, इसलिए दिया जाता है, ये इसका साइंटिफिक रीजन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कक्षा 8 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, इस चर्चा का उद्देश्य क्या है, अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, नहीं,
भोजन की विविधता के पहलू को समझना ये हो सकता है, संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना ये भी हो सकता है, साझा करना कि क्या खाना सामान्य है ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो समय विद्यार्थियों में आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, इसका उद्देश्य क्या होगा कि भोजन की इसका है भोजन की विविधताओं को साझा करना, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, आप कल इसने कुछ और खाया, इसने कुछ और खाया, इसने कुछ और खाया, इसने कुछ और खाया, जब ये आपस में चर्चा करेंगे तो उनको पता चलेगा खानों में कितनी विविधता है। जैसे कोई बिहार का है तो वहां लिट्टी चोखा होता है, कोई यूपी का है तो वहां का भोजन अलग होगा, कोई गुजरात का है तो वहां पे ढोकला होगा, कोई राजस्थान का हो तो दाल बाटी चूरमा होगा। तो इससे खाने का क्या पता है, भोजन की विविधता पता चल रही है अलग अलग बच्चों से, तो इसका आंसर सेकंड होगा। लेकिन कई बच्चे ये मारेंगे आंसर ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सेकंड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा चार पांचवा अध्याय, अनीता एवं मधुमक्खिया में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल, अच्छा मतलब वो सच्ची कहानी है, इस प्रकार की पहल का क्या मतलब, वो कहानी बताने का क्या उद्देश्य है बुक के अंदर। दशना की लड़कियों कैसे खुश होती है, उनको प्रोत्साहित करने पर अतिरिक्त बल देना, यह दशना की नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है, समानता एवं शक्ति शक्तिकरण को प्रदर्शित करना, दशना किस प्रकार लड़कियां अभिगन्ना होती है, उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, दशना की किस प्रकार की लड़कियां परिवार और समाज का बोझ होती है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन। तो आप बताना है कि अनिता अनिता ने मधुमक्खियों को पालन किया और उससे अपनी आजीविका बनाई, तो इससे इसमें बेस्ट आंसर कौन सा है, दशना की लड़कियां। ठीक है, दशना की लड़कियां कैसे खुश होती है और उनको प्रोत्साहित करने पर अतिरिक्त बल देना, नहीं ये आंसर नहीं होगा। यह दशना की नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है, समानता एवं शक्तिकरण को प्रदर्शित करती है, नहीं। यह है दशना किस प्रकार लड़कियां अनिभज्ञ एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर लग रहा है, देखिए कहीं भी जब भी कोई चैप्टर दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, प्रोत्साहन देने के लिए कि दशना की लड़कियां कैसे खुश होती है और उसको उनको कैसे प्रोत्साहित पर अत्यधिक बल देना है। आप इसका ना इंग्लिश रूपांतरण पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर मुझे लग रहा है वो लग रहा है ये वाला, क्योंकि जब लड़कियां खुद काम करती हैं तो वो अपने आप को समानता के पथ पर पाती है और उसका सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है, ये इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, तो आंसर इसका सेकंड सही होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा चार अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है, इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। देखो यानी कि यहाँ पे भेदभाव बताया है, दुनिया मेरे घर में, कि कैसे उसकी दादी अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है, तो क्या हमारे समाज में समानता और समझ का अस्तित्व है, नहीं, जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व है, बिल्कुल ये पता चल रहा है, क्योंकि उसकी दादी ने कुछ भी खाने के लिए मना किया है, क्योंकि अगर समानता होती तो खाने के लिए नहीं वो मना नहीं करती, तो ये पता चल रहा है इसका सेकेंड आंसर होगा, जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व समाज में अभी भी है, इससे ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है, यह शिक्षा के ज्ञान वर्धन और विद्यार्थियों के स्वयं के आकलन को पर केंद्रित करता है, यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वे दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ो या समूह में कर रहे हो, विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा में प्रकृति पर केंद्रित होता है। इसका मतलब ये होता है क्या है कि सहपाठी आकलन का क्या मतलब होता है, मतलब आप उससे भी पूछ रहे हो और वो आपसे भी पूछ रहा है और आप एक दूसरे को जज कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, यह शिक्षा एवं ज्ञान वर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित होता है, स्वयं के आकलन पर केंद्रित होता है, यह विद्यार्थियों के कार्य करते समय उसी पर केंद्रित होता है, ये तो हो नहीं सकता। विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ो या समूह में कर रहे हो, विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा में प्रकृति को केंद्रित करता है, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि सहपाठी तो एक नहीं कई सारे सहपाठी हो सकते हैं, समूह में भी हो सकता है, तो ये और जब आकलन करते हैं तो वो एक दूसरे से सीख रहे हैं ना, तो क्या होता है कि विद्यार्थियों की समूह में शिक्षा हो रही है और प्रकृति पर केंद्रित भी है, तो
बेस्ट आंसर इसका फोर्थ है, तो फोर्थ ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा छठ के अध्याय में हम चीजें कैसे बनाते हैं मैं दिवाली की कहानी किस पर केंद्रित है? दिवाली की कहानी, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, सामान्य कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी की अवधारणा, या व्यवसाय की अवधारणा। हम चीजें कैसे बनाते हैं दीपावली कहानी किस पर केंद्रित है, यानी पूरी थीम है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। हम चीजें कैसे बनाते हैं, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। आप भी चैप्टर जरूर पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका थीम क्या हो सकती है, ठीक है, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, ठीक है। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है, इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। मौखिक इतिहास यानी मुंह से बोलना समाज के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद कराने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास को मौखिक प्रस्तुतिकरण को कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्र करने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नाम की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। देखो क्या कहें, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन, तो ये इसका आंसर सही होगा, क्योंकि समाज में विशिष्ट समूह कौन से, बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी, और जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो ये उनका उनका इनको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था, तो ये अपने अनुभव को डायरेक्ट अपने बच्चों को या समाज में जो स्टूडेंट है उनको बताते हैं, तो ये इंगित करता है, तो आंसर थर्ड इसका बिल्कुल सही होगा। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है, प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बताया जाता है कि किसी व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। वस्तु दीवारों और सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वस्तु दीवारों और सड़कों, नहीं दीवार और सड़क नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, वस्तु और दीवारों को के लिए चिन्हों का प्रयोग ना करते हैं, सड़कों के लिए तो कर सकते हैं। हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं, ये भी सही है। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हर्षे पर होती है, आंसर इसका सी और डी ही होगा, सी और डी, पहला ये आंसर नहीं होगा। हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं, जैसे मान लो 10 किलोमीटर है कोई वास्तविक दूरी, तो हमने इसको मैप में 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर दर्शाया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर हो गया, तो ये मानचित्र पे दर्शा दिया। मानचित्र में हमेशा ऊपर की दिशा में उत्तर होता है, उत्तर नीचे की में होता है, साउथ इधर होता है हमारा, ईस्ट इधर होता है हमारा वेस्ट, ऐसे होती है, इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, इधर होता है साउथ ईस्ट, इधर होता है साउथ वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ वेस्ट, ये ध्यान रखिएगा डायरेक्शन के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसकी किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? पाठ्य पुस्तकें, मतलब पढ़कर, सुनकर, विश्वकोश, या समाचार पत्र की रिपोर्ट? तो इसका आंसर होगा समाचार पत्र की रिपोर्ट से तो पता चलेगा कि जल के अभाव में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा अभाव है, तो ये आंसर इसका बेस्ट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी एवं ज्ञान से भरना होता है, एक विद्यालय ही दे सकता है, नहीं, सिर्फ जानकारी और ज्ञान देना ही स्कूल का पर्पस नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, नहीं, सभी विद्यार्थी एक समान कभी नहीं होते, हर विद्यार्थी अलग होता है, और सीखते समय जरूरी नहीं है कि उन सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी हो, तो ये भी कथन सही नहीं है। विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले ज्ञान एवं तत्व जानकारी से प्राप्त होता है। अगला पढ़ते हैं, विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है, बिल्कुल इस तरीके से, प्रत्येक बच्चा आदित्य होता है, वह परिस्थितियों से सीखना और प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है, आंसर फोर्थ इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चा सीखता है वो इस तरीके से सीखता है, ऐसे 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 सर्पिल आकार में,
ये सीडीपी में दिया हुआ है, सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में। और प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, यानी हर बच्चा यूनिक होता है, बिल्कुल सही। और वह हर परिस्थिति में अपने तरीके से प्रतिक्रिया और सीखता है। तो आंसर फोर्थ इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? देखो, टीचर जब बच्चों को आकलन करता है ना, तो बच्चों, जैसे क्लास में कई सारे बच्चे हैं, तो जो बच्चे कमजोर या होशियार होते हैं ना, वो जब कोई टेस्ट या कोई एक्टिविटी करते हैं ना, तो वो टीचर क्या होता है, ये सारी चीजें वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके अपने पास रखता है। और पास करने के बाद फिर उसको वो करता है जांच, जांच या आकलन करता है, और वो देखता है कि बच्चे के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। यानी कि बच्चे ने शुरू के 3 महीने में 2 से 10 का पारा सीखा, फिर 3 से 6 महीने में 10 से 15 का पारा सीखा, तो बच्चे में क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है। तो टीचर को पता कैसे चलेगा, टेस्ट से ही तो पता चलेगा। तो पोर्टफोलियो एक तरह का डब्बा होता है, जिसके अंदर स्टूडेंट की जो एक्टिविटी, टेस्ट सारा रखा जाता है, जिससे टीचर आकलन करके ये बता सकता है कि बच्चे ने प्रोग्रेस की है या नहीं की है। तो उसका आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उसके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें एक निश्चित समय में एकत्र विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं, बिल्कुल सही, डाटा आता है एक निश्चित समय के लिए, ताकि जो टीचर है उसको जज करे, देखे और देखे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। आगे के भी ऑप्शन पढ़ते हैं। व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना, नहीं, व्यवहार का अंक नहीं होता, व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है, उसको डाटा में अंकित नहीं किया जा सकता, ग्रेडिंग दी जा सकती है। एक निश्चित समय विद्यार्थियों को कार्यों को एकत्र करें, एक निश्चित और अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य, या विद्यार्थियों को सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना, ये नहीं है, सर्वोत्तम कार्य को नहीं। अगर बच्चे ने बेकार काम किया उसको भी कलेक्ट करना, अच्छा काम किया उसको भी कलेक्ट करना, और फिर उसका मूल्यांकन करना कि प्रोग्रेस कितनी हुई है, वो पोर्टफोलियो होता है। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। बिल्कुल, विरोध की परिस्थिति, बच्चे झगड़ते लगड़ते हैं, विरोध होता है, टीचर के साथ भी विरोध होता है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक संस्कृति पर विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया होगी। आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग ना करें एवं अध्ययन के विषय में ध्यान केंद्रित, नहीं, टीचर को कभी भी उसकी बात को बोलने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं, हम उसे पता नहीं चलेगा ना उसको कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कितना नहीं, और वो अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करेगा। तो आप कभी स्टूडेंट को कभी ना बोले कि आप ना बोले कि ध्यान भंग ना करे और विषय पे उसको बोलने का मौका दे, ये नहीं होगा। छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत नहीं, कक्षा के उपरांत भी नहीं। छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे विद्यालय, ये बिल्कुल नहीं। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव को साझा करें, बिल्कुल, और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें, बिल्कुल, ये क्योंकि हमें बच्चों को बोलने का मौका देना है, ताकि हर बच्चा अपनी बात को रखे और उसमें कॉन्फिडेंस आए, विश्वास पैदा हो। तो आंसर फोर्थ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका की इच्छा है कि छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ एवं ज्ञान विकसित हो, इसके लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? मैं छात्रों वनस्पति के बारे में, मैं छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ दे, कंठस्थ नेगेटिव वर्ड है, रट्टाफिकेशन ये हो ही नहीं सकता। छात्रों से कहें कि वे विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे, ये हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ते हैं। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चले चलने को कहे, तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे, ये नहीं है, ये इससे बेस्ट है। छात्र से कहें कि मैं स्वयं वीडियो देखकर, नहीं, ये नहीं। देखो, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, बच्चा प्रैक्टिकल सीख रहा है, व्यवहारिक रूप से सीख रहा है, व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल सीख रहा है, खुद सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग सीख रहा है, तो ये आंसर बेस्ट होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सीख रहा है। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फरा अपने छात्रों को अन्वेषण मतलब खोज को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहती है, मतलब क्या नीतियां इसमें से अपनाएंगी? छात्र से कहेंगे वह संचार के माध्यम के चित्र एकत्र करें, बिल्कुल, क्योंकि इसमें खोजने की जरूरत पड़ेगा, उसके वर्गीकृत करें, ये बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। छात्रों के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाए दिखाए वीडियो दिखाएंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अन्वेषण की बात की, यानी बच्चा खुद खोजे। छात्रों से कहेंगे कि वह संचार के माध्यम पर अपने अनुभव और ऊपर चर्चा करें, ये हो सकता है। छात्रों
के माध्यम पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करके दिखाई, अनवेंशन। तो इसमें जो बेस्ट आंसर जो मुझे लगता है वो ए और सी लगता है, क्योंकि इसमें अनवेंशन मतलब बच्चा खुद खोज करने की कोशिश कर रहा है। देखो इसमें ये बच्चा को ढूंढेगा और इसमें भी बच्चा जब चर्चा करेगा तो खुद ढूंढ के बताएगा ना, तो ए और सी आंसर बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि जो प्रस्तुतिकरण है पावर पॉइंट वो तो टीचर दिखाएगी, तो टीचर इसमें अनवेशन कर रहा है, स्टूडेंट कहाँ कर रहा है, और वीडियो वीडियो में तो अनवेशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसका आंसर ए और सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कक्षा 3 के अध्याय में ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षा शिक्षक टीना छात्रों से कहती है, वे अपने आसपास पक्षियों की एवं उन विशेषताओं का अवलोकन करें, इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। देखो क्या कहती है कि अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें, यानी पक्षी को देखो और उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं उसको ऑब्जर्व करना है। तो उसका लक्ष्य क्या होगा, छात्र में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, छात्र में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, छात्र में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, छात्र में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ को विकसित करना। देखो छात्र में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना बेस, और यहाँ पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, छात्र में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। ये जब तुम देखोगे तो तीनों ऑप्शन तुम्हें सेम सेम सा लगेगा, तो तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन 4 सही है। क्योंकि तो वैज्ञानिक समझ उत्पन्न करना, हर पक्षी अलग है, हर पक्षी का रंग अलग है, हर पक्षी अलग तरीके से घोंसला बनाता है, हर पक्षी एक विशेष मौसम में अंडे देता है। ठीक है, इन सब का वैज्ञानिक आधार होता है जिससे बच्चे ऑब्जर्व करेंगे और बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर 4th ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्र को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है, उन वस्तुओं जैसे धातु पैन स्टील चम्मच प्लास्टिक चम्मच आदि पानी को बाल्टी में डालकर देखने को कहते हैं कि वो तैरती है डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी, प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। वह छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वह घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे, वह घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे, वह घनत्व को कुछ कक्षाओं में बढ़ा लेंगे, वह घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं बताना चाहती घनत्व के बारे में, क्योंकि वे घनत्व की वैकल्पिक धारणा नहीं, क्योंकि वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं ईवीएस, तो वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका आंसर 4th सही होगा। ठीक है, वैसे आंसर इसका ये भी हो सकता है कि वे घनत्व को उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो इस क्लास में चैप्टर को दिया हुआ, लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा कि स्टील की चम्मच डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है, छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि उससे संबंधित क्रियाकलाप कराना क्लास में संभव नहीं है। क्या आप बाल्टी लेके आओगे क्लास के अंदर, फिर चम्मच डालोगे उस पर पानी डालोगे, तो ये क्रियाकलाप कराना क्लास में संभव है छोटे बच्चों की क्लास में? नहीं। तो इसका आंसर 4th जो बेस्ट होगा ये सही होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 2021 का जो जे सेट सी टेट का आपको मैंने करवाया है, अगली क्लास में आपको मैं एक क्वेश्चन पेपर और लेके आऊंगा और 4th चैप्टर लेके आऊंगा, साथ साथ में हम पैडागोजी भी सीखेंगे और हम क्वेश्चन भी करेंगे जैसे कि इस क्लास में बताया। तो सभी मेरा दोस्तों और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे, और कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी डाउट हो चाहे आपको ईवीएस के नोट्स चाहिए हो, इस जो मेरे टेलीग्राम का लिंक है विक्रम क्लासेस, इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिक एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैंड रिटन गारंटेड। तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरी इस कक्षा मतलब मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मैं मुलाकात करता हूँ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन पेपर के साथ और नई क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।